Hello friends, today we shall learn about some new prepositions. The prepositions are from. From means से, हिंदी में हम कहते हैं से. Through, एक और से दूसरी और, बीच में से. By, के द्वारा, इस जरिए से. वाया, के जरिए. नाउ लेट्स लर्न. वाया से, के जरिए. आई विल गो टू पुणे वाया द एक्सप्रेस हाईवे. मैं पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जाऊंगा. टेलीविजन प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाया सैटेलाइट. सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में टेलीविजन के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं. ब्रॉडकास्ट यानी कि प्रसारित. मैनी पीपल आर कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप. व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं. I got this news via my sister. यह खबर मुझे मेरे सिस्टर यानी कि मेरी बहन के जरिए मिली. अगला है by. Person से, के द्वारा. The tiger was killed by the hunter. बाघ शिकारी के द्वारा मारा गया. This novel is written by Chetan Bhagat. यह उपन्यास चेतन भगत के द्वारा लिखा गया. I am a doctor by profession. व्यवसाय से मैं डॉक्टर हूं. This shirt was given to me by my uncle. यह शर्ट मुझे मेरे अंकल के द्वारा दी गई. I learned it by practice. मैंने प्रैक्टिस से सीखा है. He was caught by wicketkeeper. वह wicketkeeper के द्वारा पकड़ा गया. टाइम और पीरियड के लिए हम by का उपयोग करते हैं. I usually finish work by 5 p.m. मैं 5 बजे तक काम खत्म कर देता हूँ. They will pay off the loan by June. वे जून तक अपना कर्ज चुका देंगे. He will be here by 10. वो 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा. फिर पोजीशन के हिसाब से भी बोलते हैं by. He went by the church. वो चर्च के बगल से गया. She was standing by me for the prayer. वो मेरे बगल में खड़ी थी प्रार्थना के दौरान. बाय हम जरिए के लिए भी बोलते हैं. सोर्स. ही विल गो बाय एयर. वो हवाई जहाज से जाएगा. दे अराइव्ड बाय शिप. वे पानी के जहाज से आए. आई केम बाय टैक्सी. मैं टैक्सी से आया. फिर एक एक्सेप्शन आता है. जब भी हम टाइम के बारे में पूछना हो या बताना हो तो हम हमेशा बाय का उपयोग करते हैं. ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. आपकी घड़ी में क्या बजा है. द टाइम बाय माय वॉच इज 10 o'clock. मेरी घड़ी में 10 बजा है. तो यहाँ पे हम इन, ऑन, एट कुछ नहीं बोलेंगे, बाय योर वॉच ही कहेंगे. आई विल बी देयर बाय 6. मैं 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा. अगला बाय हम से के लिए यूज करते हैं. से. शॉर्ट बाय 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर से छोटा है वो. इंडिया 1 by 3 runs. भारत 3 रन से जीत गई. डिवाइड 200 by 25. 200 को 25 से भाग करो.
वी मेट बाय चांस, हम इत्तेफाक से मिले। फिर है थ्रू, इन वन साइड एंड आउट अदर साइड, यानी कि एक तरफ से अंदर जाना और दूसरी तरफ से बाहर आना, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द क्राउड, ऐसे इस्तेमाल होता है इसका। द टाइगर जंप्ड थ्रू द रिंग, टाइगर ने रिंग के अंदर से जंप मारी। द रिवर यमुना फ्लोस थ्रू दिल्ली, यमुना दिल्ली के बीचों बीच बहती है। द बॉयज रैन थ्रू द स्ट्रीट, बच्चे गली के बीचों बीच भागे। द सन केम थ्रू द विंडो, सूरज खिड़की के बीचों बीच आ गया। दिस बुक हैज पास्ड थ्रू मैनी हैंड्स, यह पुस्तक बहुत हाथों के बीचों बीच गुजरी है। आई फाउंड योर एड्रेस थ्रू हिम, मुझे आपका एड्रेस उसके द्वारा मिला। यू हैव टू पास थ्रू सेवरल टेस्ट बिफोर गेटिंग सिलेक्टेड, चुने जाने से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट के बीचों बीच गुजरना होगा। तो थ्रू हम बीचों बीच के लिए बोलते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ। अगला है फ्रॉम। फ्रॉम हम अलग अलग चीज के लिए उपयोग करते हैं। सबसे पहले जगह के लिए, विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे निकालो। ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। ही टुक आउट ए पिस्टल फ्रॉम हिज बैग, उसने बैग के अंदर से पिस्टल निकाली। फिर सोर्स, जरिया, द लाइट कम्स फ्रॉम द सन, लाइट जो है सूरज से आती है। यू कैन बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड, आप पैसे अपने दोस्त से उधार ले सकते हो। ही गॉट ए कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे ऑफिस से कॉल आया, ये जरिया है। ही अर्न्स ए लिविंग फ्रॉम सेलिंग वेजिटेबल, सब्जी बेचकर वो पैसे कमाता है, ये उसका जरिया है। फिर टाइम के लिए हम यूज करते हैं, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। वी शैल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर फ्रॉम 1 to 2 hour, हम लेक्चर की अवधि 1 to 2 hours कर देंगे, तो ये टाइम के लिए है। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट। वेट फॉर एवरी सैटरडे फॉर माई न्यू वीडियोज। फॉर मोर डिटेल्स विजिट माई यूट्यूब चैनल एकता स्किल्स एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश नॉलेज। Thank you. Keep learning. Have a nice day.